ऐसे होता है मैच, ऐसे टीमें होती हैं जो तैयारी करके आई होती हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी, जो लड़के खेलती हैं हर मैच, और पता चलता है कि इनकी फिटनेस और हर चीज़ कितनी ही मियारी और अच्छी है। और एक हमारी टीम है पोलियो की मरीज सारे खिलाड़ी, जिनसे ना खेला जाता है, ना बैटिंग होती है, ना बॉलिंग होती है, ना फील्डिंग होती है। तनख्वाही ये 40-40, 60-60 लाख रुपये ले रहे हैं, और परफॉर्मेंस इनकी सिफर है। और जब कुछ कह दो तो फिर ये कहता है कि हम पे तनकीद क्यों हो रही है। भाई तुम्हें तनकीद ना होती तो मैं क्या कोई हार पे ना आया आके वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके पाकिस्तान का नाम तुम बेइज्जत कर रहे हो, और फिर कहते हो कि हमें कुछ कोई कुछ कहे भी ना, ऐसे कौन कहता है। दूसरी टीमें देखें, नैदरलैंड जैसी और अफगानिस्तान जैसी छोटी टीमें भी परफॉर्म कर रही हैं, और एक हमारे खिलाड़ी हैं कि जिनसे परफॉर्म ही नहीं होता, सारी पर्चियाँ डाली हुई हैं। और सारे पाकिस्तान का हर इदारा ही करप्ट है कि कोई वो काम करता ही नहीं है, सिर्फ पैसे लेते हैं, और चाहे उसमें क्रिकेट हो या कोई और इदारा। जब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ही जरदारी की सिफारिश से लगाया जाएगा ढीली पतलून वाला, तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की ऐसी हालत होगी ये फिर आप खुद ही जान लें, जिसमें सियासत घुस जाए उसका क्या हाल होता है उस चीज़ का।